मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई संपन्न। इन अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक के निर्णयों के विषय में। क्या है जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। दोस्तों, नए टोल टैक्स प्रस्ताव और पर्यावरण विकास निगम की जमीन को व्यवसायिक गतिविधियों के लिए देने का प्रस्ताव निरस्त हो गया है। आचार संहिता के चलते दोनों प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल सकी। आइए जानते हैं किन कौन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। दोस्तों, मध्यप्रदेश उपचुनाव से पहले आज मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं उपचुनाव को लेकर लगी आचार संहिता को देखते हुए कई प्रस्तावों को हरी झंडी नहीं मिल सकी। नए टोल टैक्स प्रस्ताव और पर्यावरण विकास निगम की जमीन को व्यवसायिक गतिविधियों के लिए देने का प्रस्ताव निरस्त हो गया। आचार संहिता के चलते दोनों प्रस्तावों को मंजूर नहीं मिल सकी है। बैठक की ब्रीफिंग गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। इसमें पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक 8 सितंबर को हुई थी, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महज 10 से 15 मिनट चली कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में लगी चुनाव आचार संहिता कारण मंजूरी नहीं दी गई। बिजली बिल सब्सिडी के लिए 11.85 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। दोस्तों, कैबिनेट ने नगरीय निकायों को स्ट्रीट लाइट के लिए 11.75 लाख की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कैबिनेट ने प्रदेश में सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बिजली सब्सिडी के लिए 11.85 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों को यह राशि नहीं दी थी, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए पिछले 6 माह में कई बड़े कदम उठाए हैं। फसल बीमा, शून्य ब्याज पर ऋण और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के तहत प्रदेश के किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बता दें कि निरस्त हुए पहले प्रस्ताव में प्रदेश की 13 सड़कों पर नए टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, जबकि दूसरा प्रस्ताव पर्यटन विकास निगम की जमीन व्यवसायिक गतिविधियों को दे देने का था। उम्मीद जताई जा रही थी कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा ना हो सका। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को बाढ़ व कीड़ों से के कारण खराब हुई फसल की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से खराब फसलों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में बाढ़ व कीड़ों के कारण प्रभावित हुए किसानों को उनकी खराब हुई पूरी फसल का मुआवजा दिलाया जाएगा। हालांकि प्रदेश में कोविड संकट के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, लेकिन किसानों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।